गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेस्ट 6 to 8 PM इनऑर्गेनिक का टेस्ट हुआ था विप्रियो डीसीटी 25 अगस्त को। कितने अगस्त को? 25 अगस्त को। देखिए, चाहे आप टेस्ट दें या ना दें, आप किसी से क्वेश्चन को उपलब्ध करा लेंगे, ले लेंगे किसी तरह से फोटोकॉपी, और उस डिस्कशन को निश्चित रूप से देखें। क्योंकि देखिए, मैं ये टेस्ट बहुत ही सोच समझ के लेता हूँ, केवल और केवल 10 क्वेश्चन का, समझ गए? ये देखावटी दुनिया के लिए नहीं, जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं, और पता चल रहा है जो बच्चे को 1 क्वेश्चन का भी डिस्कशन नहीं है। क्योंकि टेस्ट लिया जाए और जब तक डिस्कशन ना हो तो उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, उस टेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तब तो वैसा ही हुआ जैसे कि मार्केट में अलग अलग बुक है, आप बुक बनाते हैं, चाहे बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए भी किशोर सर के पास जो भी काम होता है पढ़ाई से लेकर के, वे सब का सब 100% करेक्ट, सोना के जैसा चमकाने वाला, समझ गए ना? लेकिन सब बच्चा चाहे सोना के जैसा चमकना, तब तो सबसे पहले कुछ न्यू फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी दे दें। टारगेट बैच स्टार्ट होगा अब 6 सितंबर से, टाइम फिक्स कर दिए, कितना? 10 से 12 AM में होगा, समझ गए? ये टारगेट बैच जो है केवल होता है जेई और नीट के लिए, केवल जेई और नीट के लिए। जेई में मेन और एडवांस दोनों आ जाता है। न्यू बैच फाउंडेशन यानी ये सेकेंड बैच होगा, सेकेंड बैच जो स्टार्ट होगा वे 31 अगस्त से, टाइम इसका रहेगा 8 to 10 AM। और थर्ड जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा वे थर्ड फाउंडेशन बैच 3 सितंबर से, यानी 3 सितंबर से स्टार्ट होगा, कितना बजे? 2 से 4 PM में। सभी बैच में एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन करा सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे, जो आप पढ़िए वहीं जहां आपको सजेस्ट करे आपके अच्छे स्टूडेंट, आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे भाई, वैसा नहीं जो दलाल भाई हो, दलाल स्टूडेंट हो, उसके सजेशन पर मत जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ले लें और हम पढ़ते हैं, तो आप भी उस क्वेश्चन को देखें तो बेनिफिट होगा ज्यादा से ज्यादा। और यहां समझाने के बावजूद भी लगे जो हमको समझ में नहीं आया तो आप ऑफिस में आकर के पूछ सकते हैं अगेन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ट ऑन, यानी मेंडलिफ साहब का जो पीरियोडिक टेबल है वे किस पे बेस्ट है? तो हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक वेट पे। ये एटॉमिक नंबर पे किसका पीरियोडिक टेबल बेस्ट है? तो वे है मोसले पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वे ए, मतलब मेंडलिफ साहब के अनुसार किसी एलिमेंट का चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट के अनुसार ही चेंज होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कोई पीरियोडिक टेबल नहीं है इसके आधार पर। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज, तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्फेरिकल, हम जानते हैं स्फेरिकल किसका शेप होता है? एस का। डम्बबेल किसका शेप होता है? पी का। और डबल डम्बबेल किसका? डी का। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी। और इनकम्प्लीट एफ का। दूसरा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर, कहा जा रहा है
व्हिच वन इज अल्कली मेटल, कौन जो है वे अल्कली मेटल है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा है, ये तो अल्केलाइन अर्थ मेटल है। सोडियम अल्कली मेटल है, तो इसका आंसर बी होगा। और सी में है क्लोरीन, तो क्लोरीन को तो हम लोग हैलोजन कहते हैं। और डी में है नियॉन, नियॉन को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। फोर्थ नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैज स्मॉलेस्ट साइज, कहा जा रहा है जो किसका साइज सबसे छोटा है। तो देखिए इसमें जो जो एलिमेंट है उसको अरेंज करते हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक F- है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होते जाता है, घटते जाता है, साइज डिक्रीजेज। अब सवाल है जो सबसे छोटा साइज किसका, फ्लोरीन का हो जाएगा ना। और F- यदि कहिएगा तब तो F- और F में तो F का ही ना छोटा साइज होगा, F- का तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आंसर कौन सा, तो A। फिफ्थ नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, यानी कौन जो है साइज घटते क्रम में है, समझ गए। तो ये जो फाइव नंबर है, ये फाइव नंबर देखिए Mg2+ में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10। ये Al3+ में इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10। O2- में तो इलेक्ट्रॉन 10, यानी सब का सब क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, क्योंकि सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज वाला का साइज छोटा और नेगेटिव चार्ज वाला का साइज बड़ा, तो नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, तो देखिए जो O2- का किस में है, तो ये तो एक ही बार में आपको पकड़ा जाता, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी। ठीक, सिक्स नंबर, द साइज ऑफ द स्पीसीज इतना इतना डिक्रीजेज एज, तो क्या समझे, जितना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देने से इलेक्ट्रॉन हट जाता है। और साइज का मतलब सिखाए हैं जो न्यूक्लियस से लेकर के और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही यदि नहीं रहेगा तो साइज तो घट जाएगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालिए साइज उतना ही घटते जाएगा। तो देख लीजिए सबसे छोटा साइज किसका, तो लेड 4 प्लस का, इसमें आंसर एक ही बार में ऑप्शन पकड़ा जाएगा, बी। नेक्स्ट, सेवन में, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आईपी वैल्यू, यानी आईपी, आईपी का मतलब क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हम जानते हैं जो नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एक केमिकल प्रोसेस है, और आप जानते हैं नोबेल गैस तो अस्टेबल है, इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहेंगे तो ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो आप देख लीजिए नोबेल गैस, और नोबेल गैस में दो दे दिया गया, नियॉन और हीलियम, तो क्या कहिएगा, हीलियम, क्यों, क्योंकि हीलियम का साइज तो छोटा है, तो इसीलिए सेवन का आंसर कौन सा, बी। द आयोनाइजेशन इनर्जी विल बी हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, क्या कहा जा रहा है, जो किस केस में आयोनाइजेशन इनर्जी हाई होगा,
तो हम लोग जानते हैं जो एक एटम में इस तरह से सेल होता है, इसमें केवल S है, इसमें S और P है, S, P, D है। यदि अगला चलेंगे 1, 2, 3, 4 तो S, P, D, F। तो यहाँ पे देखिए जो कोई सेल का बात नहीं किया गया तो फोर्थ सेल ही मानना होगा। अब फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे डिफिकल्ट से S से खींचा जा सकता है क्योंकि S न्यूक्लियस के करीब होगा, तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, इसीलिए आइट में कितना A होगा। ठीक, Which of the following process involve absorption of energy? कहा जा रहा है कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। तो ए में देखिए, ए में है एस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो ए में न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है तो ये प्रोसेस तो इक्जोथर्मिक होगा। बी में देखिए एस माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है तो वे प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएगा। पहला प्रोसेस इक्सोथर्मिक होगा और दूसरा इंडोथर्मिक। तीसरा देखिए तो सीएल में जोड़ा जा रहा है, वे भी न्यूट्रल है तो वे भी क्या हो जाएगा, इक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो आंसर कौन 9 का हो जाएगा हम लोगों का, बी। समझ गए 10 का। द एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कहा जा रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, और ये काम तो नोबेल गैस का ही होगा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खींचा जा सकता। क्यों? क्योंकि वे अपने आप में अस्टेबल है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, उसमें जोड़ा भी नहीं जा सकता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसके बावजूद भी किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है तो ऑफिस में आकर के पूछ लेना है। समझ गए, ये पढ़ाई है बाबू, ताली मारने से नहीं, ये दिमाग में डालने से होता है, और दिमाग में डालने वाला पूरे इंडिया में, पूरे पटना में केवल और केवल भी किशोर सर है, उसके अलावा और कोई नहीं।